Hello students, welcome to my channel Maths Ka Adda. Today I'll start chapter 2, that is inverse trigonometric functions of class 12th. And you know very well what is the trigonometric functions. Sine, cosine, tangent, cotangent, secant and cosecant are the trigonometric functions, but the chapter is inverse trigonometric function. So the inverse trigonometric functions are sine inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, sec inverse, cosec inverse. इस साइन को क्या बोलते हैं हम, माइनस वन साइन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनवर्स. ओके, यहाँ पे एक टेबल गिवन है, ये आपकी बुक में भी आपको गिवन है, तो ये टेबल आपको ये ध्यान रखनी है. ठीक है, ये क्या होती है, डोमेन है और ये रेंज और प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, तो साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो माइनस वन से वन होती है और उसकी जो रेंज है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू. ओके, ऐसे ही कॉस की जो डोमेन है माइनस वन से वन होती है और रेंज जो है जीरो टू पाई होती है. कॉसेक इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या होती है, होल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन और वन. अब ये देखो, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जो माइनस वन और वन है ये इंक्लूडिंग नहीं है. ठीक है, तो कॉसेक की जो डोमेन है वो पूरी की पूरी रियल नंबर होती है लेकिन माइनस वन और वन को हटा के. ठीक है, ये इसका मतलब होता है माइनस वन और वन को हटा के. ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो क्या है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो पे कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है. ठीक है, नॉट डिफाइंड. ऐसे ही कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या है, पूरी की पूरी रियल नंबर है एक्सेप्ट माइनस वन और वन. ऐसी रेंज क्या हो जाएगी, जीरो टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय टू, बिकॉज पाई बाय टू पे सेक की वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड. टेन की जो डोमेन है वो पूरी की पूरी रियल नंबर होती है. ओके, जस्ट दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू इंक्लूडिंग है, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू इंक्लूड नहीं है. ओके, कॉट की डोमेन रियल नंबर होती है और इसकी जो रेंज है जीरो टू पाई होती है. ठीक है, अब ये जो डोमेन और रेंज का फंडा है ये हम समझ लेते हैं. अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर है इसमें हम क्या सीखते हैं कि जो डोमेन है उसको रेंज में चेंज करना और रेंज को डोमेन में चेंज करना. ओके, अब ये जो डोमेन और रेंज है ये होती क्या है, अगर मान लो यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई. दैट मीन्स यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक फंक्शन यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेती हूँ वन बाय एक्स. ओके, वन बाय एक्स यहाँ पे मैंने एक फंक्शन ले लिया है, यहाँ पे क्या होती है डोमेन, ये होती है रेंज. ओके, ये मैंने फंक्शन लिया है वन बाय एक्स. अब यहाँ पे मैं एक्स की जो भी वैल्यूज रखूँगी, जैसे मैंने वन रखी, टू, थ्री, फोर, ये क्या होगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. और वन रखने पे जो मुझे मिलेगा वो क्या होगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन. जैसे कि मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो मुझे क्या मिला, 1 अपॉन 1, दैट इज 1. तो रेंज क्या हो गई यहाँ पे, 1 की रेंज क्या हो गई, 1 हो गई. ओके, ऐसे अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 1 बाय 2 मिलेगा, तो यहाँ पे हो गई 1 बाय 2, दैट मीन्स 2 की जो रेंज है वो मुझे क्या मिली, 1 बाय 2. ऐसे 3 की वैल्यू 3 रखूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, 1 बाय 3. 4 रखूँगी तो क्या मिलेगा, 1 बाय 4. तो दीज आर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड दीज आर द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे ये क्या होता है, डोमेन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं. जो भी हमें एक्स की वैल्यू पुट करने पर जो भी फंक्शन की वैल्यू मिलती है तो ये क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है. ओके, तो समझते हैं हम यहाँ पे. जैसे मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन लिया एफ एक्स, को सॉल्व करने पे मुझे y मिला, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने x की जो वैल्यूज पुट करी है वो क्या है, डोमेन है, और ये पूरा का पूरा फंक्शन दैट इज y, ये क्या है, रेंज है. ओके, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई गिवन है, x को मैं यहीं पे पुट करूंगी, बोथ साइड अगर मैं f इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो इनवर्स, ये भी बात ध्यान रखना, f इनवर्स और f, ये क्या हो जाता है, 1. ठीक है, अब ये देखो x की वैल्यू मैंने, मुझे यहाँ से निकालनी है तो ये f इनवर्स y हो जाएगा. अब देखो मुझे y की वैल्यू, मैं यहाँ पे पुट क्या करूँगी, y की वैल्यू पुट करूँगी, तो यहाँ पे ये जो y है वो क्या हो जाएगा, डोमेन, और y की वैल्यू पुट करने पे मुझे क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ रेंज हो जाएगी. ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज, क्योंकि अब ये इनवर्स में चेंज हो चुका है. ओके, अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इसको समझ लेते हैं. ओके,
फर्स्ट टाइप के फॉर्मूलेज हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स, कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स, दैट मीन्स साइन का रिवर्स हो जाता है कॉसेक, और यहाँ पे एंगल भी अपोजिट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे एक्स है तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इसका एक बार इन तीनों का प्रूफ है, ये इन तीनों का प्रूफ भी है, लेकिन मैं आपको एक प्रूफ करके बता देती हूँ और दो सिमिलरली प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मुलेज आते कैसे हैं। जैसे कॉस है, कॉस का रिवर्स क्या हो जाएगा कॉसेक, और एंगल का अपोजिट हो जाएगा वन बाय एक्स। जैसे यहाँ पे टेन है, टेन का रिवर्स हो जाएगा कॉट, और एंगल का अपोजिट हो जाएगा वन बाय टेन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स आया कहाँ से, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं ये एल एच एस ले लेती हूँ, इसको पुट कर सकती हूँ मैं, ये फंक्शन है, फंक्शन को मैं वाई के इक्वल पुट कर सकती हूँ। ओके, अब देखो मुझे ये प्रूफ करना है कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स, तो मुझे वन बाय एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, एक्स को मैं यहीं पे पुट करूँगी, साइन इनवर्स को मैं उधर लेके जाऊँगी, तो क्या हो जाएगा साइन वाई। ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है, ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वन अपॉन में साइन इनवर्स, और ये वन अपॉन में साइन इनवर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ साइन। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या गई साइन वाई, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए दूसरे वाले एंगल में आर एच एस में मुझे क्या चाहिए वन अपॉन एक्स। तो बोथ साइड अगर मैं वन अपॉन लगा दूँ, वन अपॉन एक्स मतलब रेसिप्रोकल कर दूँ, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। अब वन अपॉन साइन वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ कॉसेक वाई, बिकॉज दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ओके, मुझे निकालना है कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स। अब कॉसेक इनवर्स को मैं इधर लेके आऊँगी, तो क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और वाई हमने क्या सपोज किया था साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स, है ना सिंपल। तो ये दो प्रूफ भी आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ओके, सेकेंड टाइप के फॉर्मूलेज पर चलते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके, जब भी ये तीन फंक्शन होंगे साइन टेन और कॉसेक, तो ये जो एंगल में माइनस होता है वो कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ओके, तो एक मैं आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ, दो आप खुद प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, ये वाला पार्ट। ओके, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ एल एच एस को वाई के इक्वल पुट कर सकती हूँ, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई लेट सपोज। ओके, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए एक्स पॉजिटिव चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ माइनस ऑफ एक्स को लिख सकती हूँ साइन वाई, बिकॉज ये साइन इनवर्स है राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या चाहिए मुझे एंगल पॉजिटिव चाहिए, तो ये जो माइनस साइन है वो हटा सकती हूँ मैं, अगर ये वाला माइनस साइन में उधर लेके जाऊँ तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ साइन वाई। अब माइनस ऑफ साइन वाई को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ माइनस वाई, बिकॉज साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स, ये वाला फॉर्मूला आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा है। ओके, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन को लिख सकती हूँ साइन ऑफ माइनस वाई, ठीक है। अब मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू भी मिल गई, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे माइनस ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ माइनस ऑफ वाई को यहीं पे रहने दूँ, और ये साइन अगर मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और ये वाई हमने सपोज किया था किसको साइन इनवर्स माइनस एक्स को। तो हो गया ये प्रूफ कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बाकी को भी आप ऐसे ही सेम प्रूफ कर सकते हो। ओके, थर्ड पार्ट है, अभी हमने ऊपर पढ़े थे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ पे साइन टेन और कोसेक था, बाकी तीन बचे कॉस कॉट सेक, उसमें क्या हो जाता है पाई माइनस लग जाता है, पाई माइनस बस आगे क्या लग जाता है पाई लग जाता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे एक प्रूफ मैं कर देती हूँ और बाकी आप खुद कर लेना। ओके, तो फर्स्ट प्रूफ करती हूँ मैं, फर्स्ट सेम एल एच एस को मैं पुट करती हूँ किसके इक्वल वाई के इक्वल। ओके, आप किसी के इक्वल भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ रखा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई,
ठीक है। अब मैं यहाँ से लिख सकती, इसको लिख सकती हूँ माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई, ठीक है। एक्स मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ कॉस वाई। अब ये ध्यान रखो कि कॉस की वैल्यू माइनस कहाँ पे होती है, कौन से क्वाड्रेंट में होती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पाई चाहिए। अब ये देखो कॉस की वैल्यू यहाँ पे माइनस होती है और यहाँ पे माइनस होती है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिख सकती हूँ मैं, पाई माइनस। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ कॉस वाई को कॉस ऑफ पाई माइनस वाई, बिकॉज कॉस ऑफ पाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस वाई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। राइट हैंड साइड को भी देखते हुए चलना है कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ उसको, पाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये लिख सकती हूँ ना। कॉस इनवर्स एक्स के साथ मुझे क्या चाहिए, पाई, दैट मीन्स पाई माइनस चाहिए ना, तो पाई ये वाला इधर लेके आती हूँ, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये वाई नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई। तो वाई की वैल्यू क्या मिल गया मुझे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और वाई को मैंने क्या लेट किया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये प्रूफ हो गया ना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके। फोर्थ टाइप की तरफ चलते हैं, फोर्थ टाइप है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। ये ध्यान में रखना बस कि ये जो एंगल्स हैं ये आर द सेम, ओके। यहाँ पे एक्स एक्स है, सेम एक्स एक्स है, देखो टेन और कॉट दोनों रिवर्स है, साइन का कॉस के साथ रिलेशन बना सकते हो आप, कॉसेक का कोसेक का सेक के साथ रिलेशन बना सकते हो, मतलब दोनों का सम इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, दोनों का सम इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, ठीक है। दीज आर द रिलेशन ऑफ दीज फंक्शंस, ठीक है, ये फोर्थ टाइप है। ये आपको ध्यान में रखना है एक चीज़ कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, क्यों, क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं, मतलब साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, मैं इसको लिख सकती हूँ साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, वन अपॉन में साइन, और यहाँ पे भी साइन है, इस साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, वी लेफ्ट विथ एक्स ओनली, ओके। ऐसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, अब ये देखो इनवर्स का मतलब क्या है, पावर क्या है, माइनस में, इसकी होल पावर भी माइनस में लिख सकती हूँ, ये दोनों क्या होते हैं बराबर, मतलब ये दोनों सेम ही है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, जब भी पावर माइनस में होती है तो उसको वन अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर टू की पावर माइनस वन है तो मैं इसको लिख सकती हूँ वन अपॉन में टू, ऐसे ही सेम इसको लिख दिया साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकती हूँ, वन अपॉन में साइन, ओके। सो दीज आर द फॉर्मुलेज ऑफ चैप्टर टू, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज then give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much guys.